स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, दैट इज फेडरलिज्म. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म इज वेरी मच सिमिलियर थिंग्स. पावर शेयरिंग वॉज ऑल्सो द चैप्टर इन विच यू हैव स्टडीड अबाउट दैट हाउ द पावर हैज बीन शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. इन दिस chapter you have to also study about the power sharing. So this is the review of this chapter in which it is written that federalism begins by describing federalism in general. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. In discussion of the federal constitutional provision is followed by an analysis of policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government and a new third year of Indian federalism. Yes, in India, the power has been divided between different levels of government, in which the power is divided between the central government, the state government, and third form of government that you can say local government. ठीक है? तो हम लोग इसी चीज को देखेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म. व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है. सो फेडरलिज्म को समझने के लिए हम सबसे पहले इस चैप्टर को देखेंगे. इट इज रिटन दैट लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी शॉ इन द लास्ट चैप्टर. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and give the power to the regional government. Regional government existed in the Belgium even earlier. Yes, आपने पिछले क्लास पिछले चैप्टर में पढ़ा था. पावर शेयरिंग जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि पावर बेल्जियम में क्या हुआ कि पावर was shared, power had shared among different ethnic group, है ना. आपने पढ़ा था कि बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयर किया गया था. डच और फ्रेंच स्पीकर वर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. बेल्जियम सम पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट हैड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. बिसाइड दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म इन द बेल्जियम. तो आपने देखा कि किस तरह से पावर जो है बेल्जियम के कानून के द्वारा पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के रीजनल गवर्नमेंट को दिया गया. एंड रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन द बेल्जियम इवन अर्लियर. दे हैड देयर रोल एंड पावर बट ऑल दिस पावर वेर गिवन टू द गवर्नमेंट कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. Okay, so पहले क्या था कि power दिया जाता था और लेकिन power को कभी भी central state government जो है local government को जो भी power मिला उसको state government ले सकती थी या state government के power को central government सीज कर सकता था. लेकिन 1993 में जो changes आया 1993 के चेंजेस के बाद यस 1993 में जो चेंजेस आया उसके बाद इट बिकेम डिफिकल्ट टू ये दिक्कत तो ये डिफिकल्ट हो गया कि अब पावर कोई सीज कर ले. ठीक है. सो रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट दे वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. दे गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. अगर आप इंडिया में पढ़ोगे तो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जो कुछ भी पावर दिया गया है वो सारे पावर हमारे संविधान में लिख दिए गए हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिख दिए गए हैं कि क्या पावर किसे मिला है. जब कॉन्स्टिट्यूशन में उसे लिख दिया गया है तब उसे स्ट्रेंथ मिल गया है. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक ओवर द पावर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. अब नहीं ले सकते हैं. ठीक है. उसके बाद दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर. तमिल लीडर्स
want Sri Lanka to become a federal system. So if you take the example of Belgium, अगर आप बेल्जियम का एग्जाम्पल देखते हैं तो वहां देखते हैं कि बेल्जियम ने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपनाया, बल्कि किसको अपनाया? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स पावर का डिविजन. और श्रीलंका ने क्या किया कि अपने यूनिटरी सिस्टम को अपनाया, यूनिटरी सिस्टम को अपनाया यानी कि मेजोरिटी कम्युनिटी के हाथों में पावर दे दिया, वन वन एथनिक ग्रुप का शासन हो गया, जिसके वजह से तमिल लीडर्स चाहते थे कि श्रीलंका को एक श्रीलंका को में भी फेडरल सिस्टम को ही अपनाया जाए. ठीक है, फेडरलिज्म इज द सिस्टम. नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ द फेडरलिज्म. Federalism is the system of government in which power is divided between central authority and the various constitutional units of the country. Yes, federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units. So, federalism government का एक ऐसा system है जिसमें कि power central authority के साथ साथ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच बटा होना चाहिए. दिस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है डिफरेंट स्टेट्स. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इज द स्टेट स्टेट ऑफ आवर कंट्री. तो कह रहे कि ये जो पावर का डिविजन कैसे होना चाहिए, पावर का डिविजन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी डिफरेंट स्टेट के बीच बटा होना चाहिए. यूजुअली एक्चुअली दिस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इट इज रिटन बिकॉज द नेम इज गिवन बाय डिफरेंट कंट्री बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो है वो डिफरेंट देश के लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को दिया है. तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट लिखा हुआ है कि सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच पावर का डिविजन होना चाहिए. यूजुअली अ फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट एंड द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट दैट टू कवर द मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट. So, usually, federation has two level of government. One is central government and the second is state government. Okay, well, central government, that should be for the entire country. Central government पूरे देश के लिए होना चाहिए और उसे कुछ ऐसे काम बोलना चाहिए जो कि पूरे देश के लोगों के कॉमन इंटरेस्ट का, पूरे देश के लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो, पूरे देश के लोगों की भलाई के लिए हो. ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट की चीजें और जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं वो सब डाला जाता है, वो सब दिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट को. एंड द स्टेट गवर्नमेंट गॉट फर्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इन विच ही कैन एडमिनिस्टर डे टू डे प्रॉब्लम्स. हर दिन के प्रॉब्लम्स देखते हुए कुछ सब्जेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाते हैं. बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. एंड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट दोनों होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट विल यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द आंसर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट. तो बोथ द गवर्नमेंट विल बी इंडिपेंडेंट. सो नाउ फेडरलिज्म, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन. फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच पावर का डिविजन इज कॉल्ड फेडरलिज्म. ठीक है, एंड फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग सम कॉमन नेशनल सब्जेक्ट ऑफ इज हैविंग पावर टू मेक लॉज और टू मेक पॉलिसीज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सम कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट पर उन्हें अपने बात कानून बनाने का डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया. एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं उन्हें हर दिन के शासन से संबंधित मामले जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है. एंड दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने अपने काम को इंडिपेंडेंटली करते हैं. ठीक है, नाउ our next topic is, in this sense,
In this sense, federation In this sense, federation are contrasted with unitary government. ठीक है, और जब हम फेडरेशन को पढ़ेंगे तो वी विल कंपेयर द फेडरलिज्म टू द यूनिटरी गवर्नमेंट. ठीक है, हम यूनिटरी गवर्नमेंट से इसके कंपैरिजन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट में आखिर क्या डिफरेंसेस है. यूनिटरी गवर्नमेंट वो ऐसा गवर्नमेंट होता है जहां पर एक एक ही सरकार हो और जिससे सारी पावर उसी यूनिटरी उसी यूनियन गवर्नमेंट को हाथ में अगर है तो उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, तो अंडर यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, या तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं या कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट होते हैं. मतलब व्हाट एवर डायरेक्शन इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव टू फॉलो. सो सब यूनिट्स को फॉलो करने होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल सो ही इज हैविंग पावर टू पास एनी ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट और द सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट आप समझ रहे हो. यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जहां पर यहाँ पर पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसके कुछ सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होते हैं, बट ऑल दिस गवर्नमेंट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, बट आप फेडरेशन में देख रहे हो कि ऐसा नहीं है. फेडरेशन में पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच बटा हुआ है एंड बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिटरी गवर्नमेंट से जब डिफरेंसेस करने हैं फेडरलिज्म को तो आपको ये समझना होगा कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी लोकल गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर पास कर सकती है. बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट और टू डू समथिंग. लेकिन फेडरेशन फेडरल सिस्टम के अंदर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर पास नहीं करेगी बिकॉज बोथ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट. Both the government are independent for their work. They will not interfere. This is mentioned in our constitution that they will not interfere in each other's work. Okay. So this is mentioned in the all the country constitution of all the country which are having federalism, which have adopted federal system of the government. So central government can pass an order to the provincial or the local government that is in the part of unitary system. But in a federal system, the central government cannot order the government to do something. State government has power of its own for which it is not answerable to the central government. In federalism, the state government is having power. ठीक है, state government के पास power है और state government is not answerable to the state, not answerable to the union government. ठीक है, state government अपने किसी भी काम के लिए और यूनियन गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं है. ठीक है, सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. व्हाट आर द फीचर ऑफ फेडरलिज्म? द फर्स्ट यू कैन इमेजिन दिस इन द इन इन द रूल ऑफ इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री. आप अपने देश के संबंध में रिलेटेड करते हुए सोच सकते हो बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. सो फर्स्ट इज देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का फीचर पहला क्या है कि देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स यहाँ पे कम से कम भी दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होना ही चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. बिसाइड दिस थर्ड लेवल ऑफ लेयर ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकते हैं. सेकेंड इज डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है लाइक यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट दे गवर्न द सेम सिटीजन. मतलब व्हाट एवर रूल इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इम्प्लाइज टू दैट इम्प्लीमेंट्स टू अस एंड द व्हाट एवर रूल्स इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट दैट आल्सो इम्प्लीमेंट्स टू अस. ठीक है, जो कुछ है रूल्स बनता है वो सब हम लोग को इम्प्लाई होता है क्योंकि वो चाहे हम लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आए चाहे यूनियन गवर्नमेंट सिटीजन सेम है.
ठीक है, सृजन बता हुआ नहीं है सृजन सेम है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स हो या स्टेट गवर्नमेंट का रूल हो या लोकल गवर्नमेंट का रूल्स हो, ऑल द रूल्स इज फॉर अस। तो हम लोग के सारे रूल्स हम लोग के फॉलो होंगे बिकॉज सिटीजन इज सेम। ठीक है, लेकिन जितने भी लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनका अपना जुरिसडिक्शन होगा, मतलब अपना उनका कार्य क्षेत्र होगा। ये तय होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ किस मामले पर काम करेगी एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसका क्या कार्य क्षेत्र होगा, दैट इज क्लियरली मेंशन इन द दैट विल बी क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा लेजिस्लेशन क्या होगा, किस किस मामले पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस किस मामले पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, ये सब बिल्कुल क्लियर होगा। टैक्सेशन का मैटर का, किस बात पर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी और किस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, तो ये सारे कुछ जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के मामले में यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे एंड यूनियन गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So, the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. Yes, so, जो jurisdictions है different level of government का, that should be mentioned in the constitution. That should be specified in the constitution. ये हमारे constitution में होना चाहिए, क्योंकि constitution क्योंकि existence and authority of कह रहे कि existence and authority जो है हर लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड नहीं होगा तो क्या हो सकता है बच्चों, क्या होगा, कभी भी यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पावर को सीज कर सकती है। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है कि वन मिनट चलिए, मैं देख रही हूँ रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। ओके ओके सॉरी, गोइंग ऑन। जैसे स्टूडेंट्स, तो मैं बता रही थी कि हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है उनके जो भी काम है दैट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, से संविधान में मेंशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला मैंने बताया फेडरलिज्म का फीचर्स क्या है, देयर शुड बी टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड थिंग इज दैट डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बस इस टीयर हैज ओन जुरिस्डिक्शन, या काम इनका डिफरेंट ईयर ऑफ गवर्नमेंट एक ही सिटीजन पर गवर्न करेंगे, और इनका लेजिस्लेशन टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर होगा। थर्ड मैंने बताया कि जितने जो भी जुरिस्डिक्शन है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के दैट शुड बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ताकि इनका एग्जिस्टेंस बना रहे। और चौथा जो फीचर है दैट इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. Yes, because the fundamental provision of the constitution cannot be changed unilaterally. आप अगर आप amendment of if you take the example of India and if you have studied about the amendment of Indian constitution in which you have studied that there are three procedure for amending the constitution. By first, by simple majority, by special majority and by ratifications.
ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन के लिए तो यह बहुत जरूरी है कि अकेले यूनियन गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सके। एंड द लास्ट प्रोसीजर यू हैव स्टडी दैट स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट में तो ये बहुमत से पास होगा ही, 2/3 वोट से। उसके बाद कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट इस पर अपने कंसेंट देंगे। कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट जब तक अप्रूवल नहीं देंगे, संविधान का जो मूल प्रोविजंस है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये दिस इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि रेटिफिकेशन का मतलब है कि फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए कम से कम इंडिया में हाफ ऑफ द स्टेट को भी उसको अप्रूवल देना पड़ेगा, तब जाकर फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी कैन से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिकॉज ऑल द फीचर्स आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री एंड Would have the power to interpret the constitution and the power of different level of government. The highest court act as an empire. If a dispute arises between different level of government in the exercises of their respective powers. Yes, in the courts have the power to interpret the constitution. Court के पास power होना चाहिए संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, और साथ में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पावर को भी देखने के लिए। ठीक है, कि लोग अपने दायरे में रख के काम कर रहे नहीं, और अगर दोनों के बीच मीन्स यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो मामला किसके पास जाता है बच्चों? एनीवन? इज द मैटर इज द डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हाय, यस, वंस अगेन कहाँ जाएगा ये? जाएगा, बोलो, इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, कहाँ जाएगा ये? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के किस जुरिस्डिक्शन पे मामले आते हैं? डू यू हैव आइडिया और फॉरगेट ऑल दिस? दिस इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। As you have studied that all the matter that do not go directly to the Supreme Court, ठीक है, Supreme Court में directly नहीं जाता है, most of the cases go through appellate jurisdiction. But the matter which are related to the dis the but the dispute which are related to the union government and state government, that matter that goes directly to the Supreme Court under the original jurisdiction. ठीक है, original jurisdiction के अंदर वो state और union government के मामले जाएंगे। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यस, जो रिवेन्यू के सोर्सेज क्या होंगे स्टेट गवर्नमेंट का और यूनियन गवर्नमेंट का, ये जो रिसोर्सेज जो है दैट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। ठीक है, ताकि दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, दोनों ही फाइनेंशियली फ्री हो, कि उन्हें पता है कि उनका इनकम यहाँ से आने वाला है और यूनियन गवर्नमेंट को पता हो कि उनका इनकम यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो दैट शुड बी क्लियर टू क्लियर इन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि दोनों का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या है, वो दोनों वो क्लियर हो, वो क्लियर होना चाहिए। तो फेडरलिज्म का फीचर्स आपने देखा कि सो एनीवन कैन गिव द आंसर व्हाट इज फेडरलिज्म? चलो जल्दी से बोलो, हिंदी में भी बोल सकते हो, इट्स नॉट अ मैटर। हैव यू आर यू गेटिंग और नॉट, दिस इज द मेन थिंग। बोलो जल्दी से बच्चा, नहीं सुन, नहीं नहीं जवाब आ रहा है, क्या बात है बच्चों? द फेडरल सिस्टम लास्ट मैम, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी। हाँ, सेंट्रल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, पावर विल बी डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई कि फेडरलिज्म के अंदर कम से कम दो तरह के
लेवल और टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होने चाहिए। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो है वो पावर, देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड आर सब यूनिट इज देयर दैट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बट इन फेडरलिज्म द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू और थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट यू कैन से, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर कैन बी लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, and the power will be clearly divided between the union government and different level of government, and all the all the government are independent to for their work. ठीक है, कोई किसी के काम, they will not interfere in the work of each other. So this is the difference between unitary government and the federalism. Next I have given some points about the features of federalism. So okay, question आपको ऐसे ही आएगा, what is federalism? ठीक है, हाउ फेडरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो मैंने आपको छह फीचर्स अभी बताए। सेवेंथ फीचर इज दैट द फेडरल सिस्टम डस हैड ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरल सिस्टम जो है उसका दो ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो है देश की यूनिटी को प्रमोट करता है, देश की यूनिटी को बचा के रखता है, और दूसरी तरह ये जो है रीजनल डाइवर्सिटी को भी लेकर चलता है। ठीक है, अगर पावर डिफरेंट रीजन के बीच बढ़ जाता है तो विवाद बहुत हद तक खत्म हो जाता है। आपने देखा ना बेल्जियम की कहानी में, बेल्जियम की स्टोरी में आपने यही देखा ना कि पावर जो था वो डिफरेंट इतनी ग्रुप के बीच दे दिया गया, जहां बेल्जियम ब्रसल्स में 80% फ्रेंच थे एंड 20% डच वर देयर, बिसाइड दिस पावर इज गिवन इक्वली टू बोथ द कॉमनी। है ना, तो जब पावर को हम बांट देते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं और देश की यूनिटी बना देते हैं, लेकिन पावर को जब सेंट्रलाइज करेंगे तो वो कल आज नकल वो एक वो जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा और वो देश के लिए भी बर्बादी लाएगा। ठीक है, देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट इच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एंड आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लीव टूगेदर। ठीक है, गवर्नमेंट कह रहे कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उन्हें कुछ बातों पर, कुछ पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स पर एग्री होना चाहिए। ठीक है, एग्री, जब तक वो एग्री नहीं होंगे तो ये कंफ्लिक्ट का कारण बनेगा, इसलिए देर इज अ नीड टू बी एग्री ऑन द सम पॉइंट्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड देर इज नीड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दिस टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये होना चाहिए, कुछ ऐसे पावर शेयरिंग होना चाहिए जिसपे दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्री करें एंड उन्हें साथ में एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करना होगा। ठीक है, अगर वो एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं करेंगे तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, आपने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में, तो आपने देखा कि ब्लैक कम्युनिटी एंड व्हाइट कम्युनिटी दोनों ने बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का बनाया, एक ऑपरेसिव थे एक ऑपरेशर थे। ठीक है, व्हाइट कम्युनिटी वॉज ऑपरेशर एंड ब्लैक कम्युनिटी वॉज ऑपरेसिव, बिसाइड दिस बोथ द कम्युनिटी सिट टूगेदर एंड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। दे ये कहीं ना कहीं वहां पर म्यूचुअल ट्रस्ट था। ठीक है, और लोगों ने एक म्यूचुअल ट्रस्ट था और दोनों ने एक दूसरे लोग एक दूसरे के साथ एग्री किए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वैरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली इन ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट इन विच द फेडरलिज्म वाज फॉर्म। तो कह रहे कि एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है वो हर जगह वेरी करता है, ऐसा नहीं कि जो सिस्टम इंडिया में है वो दूसरे दूसरे कंट्री में भी होगा। ये कहीं ना ये कहीं कम कहीं अधिक या अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ देयर कंट्री ये वेरीज करता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे कि दिस बैलेंस डिपेंड अपॉन मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। ये बैलेंस वहां उस कंट्री का बैलेंस किस चीज पर डिपेंड करता है कि वहां का किस
वैसा इतिहास था, किस आधार पर वहां पर फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ है। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, देयर वाज अ लॉन्ग हिस्ट्री, आपने पढ़ा है। तो ये कह रहा है कि ये हर देश का सिचुएशन, किस आधार पर वहां पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, उस आधार पर वहां का फेडरेशन का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स टू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, सो दैट बाय पुलिंग सॉवरन एंटिटी आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट। सो बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि फेडरेशन का फॉर्मेशन दो तरह से हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स जो है वो आकर मिल गए हैं और मिल करके उन्होंने एक बड़ा सा यूनिट बना लिया है, ठीक है, एक बिगर यूनिट बना लिया है, और इसको कहते हैं ऐसे ऐसे फेडरेशन को कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। व्हेन सम इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ फेडरेशन दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, छोटे छोटे स्टेट आपस में मिल गए और एक बड़े स्टेट बन गए और वहां जो फेडरेशन बना दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तीन ऐसे कंट्री जो है कमिंग टुगेदर में है। और फर्स्ट कैटेगरी का जो है फेडरेशन का, ये इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं इन सबके बीच इक्वल पावर बंटा रहता है। मतलब जितने भी फेडरेशन बने और उनके अंदर जितने भी स्टेट बने सबका पावर जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग जहां तक अपने देश के बारे में देखते हैं तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट है जिनको बहुत स्पेशल दर्जा दिया गया है, जैसे कि इसलिए हमारा जो हमारे देश का जो फेडरेशन है उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देखो होल्डिंग टुगेदर, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ हमारे पास। द सेकेंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ वर्किंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइस वर्सा द स्टेट। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। इसमें क्या है कि सेकंड आपका हो गया वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो बड़ा सा स्टेट है और वो अपने पावर को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के बीच शेयर करता है। जैसे अब हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया एक बड़ा स्टेट है और इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहेंगे। और यहाँ पर इक्वल पावर नहीं होता है, डिफरेंट स्टेट के बीच इक्वल पावर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टेट है उनके बीच पावर का डिवीजन जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जितने भी जैसे कि मान लो कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल दर्जा दिया गया है, और जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल दर्जा मिला हुआ था, पता है ना, वहां पे कोई नहीं डिसाइड कर सकता था, वहां पे कोई जमीन नहीं कर। इसलिए इसी तरह से कुछ ऐसे स्टेट हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी इंडिया के जिसको स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। दैट आई विल डिस्कस इन अनदर क्लास। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डिड यू गेट द टॉपिक?